नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में टली अयोध्या मामले की सुनवाई तेज, हुआ सियासी बयानबाजियों का दौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरे पर, 13वें वार्षिक सम्मेलन में की शिरकत। राजस्थान में तेज हुई सियासी सरगर्मियां, हनुमान बेनीवाल ने बनाई नई पार्टी, घनश्याम तिवाड़ी के साथ सपा व रालोद के नेता भी रहे मौजूद। और चुनावी समर में भाजपा में तेज हुआ टिकट मंथन का दौर, कोर कमेटी की बैठक में हुआ टिकट आरटीओ के भविष्य पर फैसला। इंडोनेशिया का लॉयन एयर विमान जकार्ता से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही क्रैश हो गया। विमान JT610 जकार्ता से पंकल पिनोंग जा रहा था। लॉयन एयर बोइंग 737 यात्री विमान में क्रू मेंबर और यात्रियों को मिलाकर 188 लोग सवार थे। विमान ने जकार्ता एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। विमान सुमात्रा के पिंकल पिनोंग जा रहा था। टेक ऑफ के 13 मिनट बाद ही विमान का संपर्क टूट गया था। बताया जा रहा है कि संपर्क टूटने से पहले पायलट ने प्लेन की वापसी का सिग्नल दिया था। इंडोनेशिया की आपदा एजेंसी ने हादसे का शिकार हुए विमान की कुछ तस्वीरें ट्विटर पर डाली हैं, जिनमें बुरी तरह टूट चुका एक स्मार्टफोन, किताबें, बैग, विमान के कुछ हिस्से दिख रहे हैं। यात्रियों में 3 बच्चे भी शामिल थे। राष्ट्रीय तलाश और बचाव एजेंसी ने कहा कि पश्चिम जावा के पास समुद्र में ये विमान गिरा। जकार्ता से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हुए विमान को दिल्ली के मयूर विहार के 31 वर्षीय कैप्टन भव्य सुनेजा उड़ा रहे थे। विमान 188 यात्रियों को लेकर JT610 जकार्ता से पंकल पिनोंग जा रहा था। भव्य सुनेजा एलकॉन पब्लिक स्कूल से पढ़े थे और 2009 में ही उन्होंने पायलट का लाइसेंस हासिल किया था। इसके बाद वे अमीरात में ट्रेनी रहे। उन्होंने 7 साल पहले, साल 2011 में लॉयन एयर को ज्वाइन किया था। अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई जनवरी तक टलने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जनवरी में उपयुक्त पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। उन्होंने इस मामले पर तुरंत सुनवाई की पक्षकारों की मांग को खारिज कर दिया। सरकार की तरफ से पेश वकील तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि इस मामले की जनवरी में कब से सुनवाई शुरू होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की पीठ ने आदेश दिया था कि विवादित भूमि के मालिकाना हक वाले दीवानी मामले की सुनवाई 3 जजों की पीठ 29 अक्टूबर से करेगी। अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जनवरी तक टाल दी है। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जनवरी में उपयुक्त पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जहां इस पर किसी प्रकार का बयान देने से इनकार कर दिया है, वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में केंद्र सरकार को अध्यादेश लाने की चुनौती दे दी। दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने कांग्रेस के दबाव में काम होने का आरोप लगा डाला। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अब हिंदुओं का सब्र टूट रहा है, मुझे भय है कि अगर हिंदुओं का सब्र टूटा तो क्या होगा। वहीं कांग्रेस ने मंदिर पर अध्यादेश की सुगबुगाहट पर पीएम मोदी से जवाब मांगा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सब्र का बांध टूटने वाले बयान पर ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार को गिरिराज को ही कोर्ट में खड़ा कर देना चाहिए। उन्होंने कहा गिरिराज का ये बयान ठीक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए राज्य की पुलिस को और समय देने से इनकार कर दिया था। हिंसा मामले में नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ जांच रिपोर्ट दायर करने की खातिर पुलिस को और समय देने के निचली अदालत के आदेश को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल में निरस्त कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की अपील पर गौर करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और याचिका पर नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत जापान के बीच 13वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अपने 2 दिवसीय यात्रा टोक्यो में हैं।
सोमवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पीएम मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे शामिल हुए, जहां दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को नया भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का कहना है कि आने वाले दशक में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था की अगुवाई करेगा। हमारा देश आप जैसे एक से एक हीरों से मोतियों से भरा पड़ा है। सिर्फ एक संगठित प्रयास की आवश्यकता थी, जो हम बीते 4 वर्षों से कर रहे हैं। सामूहिकता की, जन भागीदारी की इसी शक्ति को आज दुनिया पहचान दे रही है। आज पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए, विश्व शांति के लिए भारत की भूमिका अग्रणी है। मैं सोल पीस प्राइज की जूरी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मोदीनॉमिक्स की प्रशंसा की है। उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मोदीनॉमिक्स की बजाय ये इंडोनॉमिक्स का सम्मान है। सरकार का मुखिया होने के नाते मैं वही कह रहा हूं जो भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा रही है। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के हमारे पुरातन मूल्यों के प्रति हम सब समर्पित है। हमारी सरकार ने तो सिर्फ इतना बदलाव किया है कि दुनिया को भारत के चश्मे से ही देखा जाए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। इसके तहत उन्होंने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उज्जैन के दशहरा मैदान में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। सीबीआई के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सीबीआई निदेशक राफेल मामले की जांच करने जा रहे थे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, इसलिए चौकीदार ने उन्हें हटा दिया। मध्य प्रदेश के युवा को रोजगार नहीं देते हैं। पकौड़े तलोगे तब भी बीजेपी आपसे पैसा चोरी कर लेगा, तेल का भी पैसा ले जाएगा, नोटबंदी से पैसा ले जाएगा और पकोड़े का भी एक पीस उठा के ले जाएंगे। ये है इनकी सच्चाई। धर्म की बात करते हैं मगर इनका धर्म भ्रष्टाचार है। 9500 करोड़ रुपए के चोर को हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में मिलता है। चोर विजय माल्या से कहता, अरुण जेटली से कहता है कि मैं लंदन जा रहा हूं। अरुण जेटली के हाथ में सीबीआई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, अरुण जेटली फोन उठाकर सीबीआई के किसी अफसर को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के किसी अफसर को, पुलिस के किसी अफसर को फोन नहीं करता। 40 मिनट की मीटिंग होती है, विजय माल्या चला जाता है। खुल के फाइनेंस मिनिस्टर कहता, हां जाने से पहले 9500 करोड़ रुपए के चोर ने मेरे साथ मीटिंग की। मतलब जितना पैसा मनरेगा में कांग्रेस पार्टी ने एक साल के लिए डाला, उतना पैसा नीरव मोदी लेके भाग गया। प्रधानमंत्री उसे मेहुल भाई, नीरव भाई कहते हैं, और मेहुल भाई की और अरुण जेटली की बेटी का रिश्ता है। लाखों रुपए मेहुल भाई ने आईसीआईसीआई के बैंक अकाउंट, अरुण जेटली के बेटे के बैंक अकाउंट में डाला। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश आस्थाना के ऊपर कार्रवाई के खिलाफ उनकी ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में 1 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 नवंबर तक इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वे दोनों अधिकारियों की अर्जी पर 1 नवंबर या उससे पहले जवाब दाखिल करें। आस्थाना को सरकार ने 24 अक्टूबर को आधी रात को छुट्टी पर भेज दिया है। सीबीआई के वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि जवाब देने में इसलिए देर हुई क्योंकि केस से जुड़ी फाइलें केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास भेजी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के सबरीमाला मंदिर पर हालिया बयान का पार्टी ने बचाव किया है।
सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि उसका न्यायपालिका से कोई टकराव नहीं है और वो आस्था के इस विषय को बेहद विनम्रतापूर्वक उठा रही है। सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि उसका न्यायपालिका से कोई टकराव नहीं है और वह आस्था के इस विषय को बेहद विनम्रतापूर्वक उठा रही है। गौरतलब है कि सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमित शाह ने कहा था कि कोर्ट को ऐसे फैसले देने चाहिए जिनका पालन हो सके। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा से इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि क्या सबरीमाला मामले में शाह का बयान न्यायपालिका से उनकी पार्टी के टकराव की ओर इशारा करता है। जवाब में पात्रा ने कहा कि कहीं किसी टकराव की स्थिति नहीं है। राजधानी में तीसरे मोर्चे की नींव रख दी गई है। फिनसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने राजधानी जयपुर में हुंकार रैली मंच से अपनी नई पार्टी की घोषणा की। बेनीवाल ने पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रखा है। इसका चुनाव चिन्ह बोतल होगा। बेनीवाल की हुंकार रैली के मंच पर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और भारत वाहिनी पार्टी के अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी की मौजूदगी ने प्रदेश में तीसरे मोर्चे की हुंकार को हरी झंडी दी। रैली में वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, आज हमने नई पार्टी का ऐलान कर दिया। घनश्याम जी तिवाड़ी हमारे साथ आगे राजस्थान के अंदर और कुछ और दल भी हमारे साथ आएंगे और एक दो दिन के अंदर इस गठबंधन को बड़ा रूप देके इस बार कांग्रेस और बीजेपी को घर बिठा देंगे दोनों। ये जो जवानों का जोश देख रहे हैं, ये अपने अपने साधनों से एक एक हजार किलोमीटर दूर से आए, हमने कोई साधन नहीं लगाया। ये जोश देख के ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी हवा के अंदर उड़ जाएगी। बहुत बहुत बड़ी रैली थी, लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला है। हम सब राजस्थान में मिलकर तीसरी ताकत का निर्माण करेंगे और विजय श्री प्राप्त करेंगे। रायशुमारी के बाद योद्धाओं को चुनावी समर में उतारने के लिए भाजपा का चिंतन मनन शुरू हो गया है। रायशुमारी के बाद सामने आए नामों को अब चिन्हित किया जाएगा। इन नामों को पैनल में शामिल कर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। दरअसल प्रदेश भाजपा कोर कमेटी में शामिल सदस्यों ने जयपुर के एक निजी होटल में नामों पर चिंतन और मनन किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी में प्रदेश के आला नेताओं ने दिल्ली भेजे जाने वाले नामों का पैनल तैयार किया। ये नाम हाल ही में हुई रायशुमारी और उसके बाद जिला स्तर पर भेजे गए प्रदेश नेताओं के फीडबैक के आधार पर तय किए गए हैं। चिंतन का ये दौर मंगलवार को भी चलेगा। कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ सहित अन्य नेता मौजूद रहे। यहाँ फाइनल किए नामों पर दिल्ली में 1 नवम्बर को होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक में मोहर लगाई जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।